अधिशासी अधिकारी थे यहाँ पर, ये बिजली कनेक्शन ले लिया, परंतु आप देख रहे हैं मौके पर कोई भी बिजली कनेक्शन नहीं है यहाँ पर। और चलाना चाहेंगे ना चलन देंगे तो हम क्या इनसे मरे मारेंगे बताओ क्या। नगर पंचायत परिषदगढ़ जिला मेरठ में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लगभग 60 लाख रुपए की लागत से MRF सेंटर बनाया गया, जिसमें ताले लटके हुए हैं। अधिशासी अधिकारी रोहित यादव की हठधर्मिता के कारण मशीनों का कार्य शुरू नहीं किया गया है, जबकि नगर पंचायत परिषदगढ़ में 2 वर्ष पहले नगर पंचायत रिकॉर्ड में अधिशासी अधिकारी द्वारा चालू दिखाया जा रहा है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि अधिशासी अधिकारी पर कार्यवाही हो। उत्तर प्रदेश सरकार के महत्वाकांक्षी ड्रीम प्रोजेक्ट MRF सेंटर के चालू होने की झूठी सूचना देने पर अधिशासी अधिकारी रोहित यादव पर विभागीय कार्यवाही की जाए, इसको तुरंत चालू कराने की कृपा करें, जिससे कस्बा वासियों को कूड़े से निजात मिल सके। आपको बता दें कि नगर पंचायत परिषदगढ़ में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लगभग 60 लाख रुपए की लागत से MRF सेंटर बनाया गया है, जिसमें ताले लटके हुए हैं। वहीं अधिशासी अधिकारी रोहित यादव की हठधर्मिता के कारण मशीनों का कार्य शुरू नहीं किया गया है, जबकि नगर पंचायत परिषदगढ़ में 2 वर्ष पहले नगर पंचायत रिकॉर्ड में अधिशासी अधिकारी द्वारा चालू दिखाया जा रहा है। जी, मेरा नाम अशोक सांडिल्य है, कस्बा परिषदगढ़ जिला मेरठ से हूँ। नगर पंचायत परिषदगढ़ हमारे यहाँ पे लगती है, और यहाँ पे जो MRF सेंटर देख रहे हैं आप, ये इस MRF सेंटर को लगभग 2 वर्ष पहले बन चुका है, जिसको आज तक भी बिजली का कनेक्शन नहीं हुआ। मेरी शिकायत प्रार्थना पत्र देने के बाद ये बिजली कनेक्शन बोला कि रोहित अधिशासी अधिकारी थे यहाँ पर, ये बिजली कनेक्शन ले लिया, परंतु आप देख रहे हैं मौके पर कोई भी बिजली कनेक्शन नहीं है यहाँ पर। और MRF सेंटर का मतलब ये है कि MRF सेंटर चलना चाहिए, जिससे कि कूड़े का निस्तारण हो सके, इसीलिए कूड़ा निस्तारण प्लांट लगाया गया है। परंतु ये कागजों में जो नगर पंचायत अभिलेख हैं उसमें तो 2 वर्षों से चल रहा है, परंतु मौके पे आज तक कुछ नहीं है इसको, इसकी ये सच्चाई है। आपने इसकी शिकायत की थी? मैंने शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल से लेके और जिलाधिकारी कमिश्नर साहब तक की है, परंतु आज तक भी वो आश्वासन देते आए हैं। आज की तारीख में एक 15 रोज पहले मैंने तहसील दिवस में शिकायत की थी। उस शिकायत के उपरांत जो हमारे नए अधिशासी अधिकारी श्री मनोज कुमार शर्मा जी आए हुए हैं, जो नई नियुक्ति हुई है, उन्होंने बोला है कि मैं 10 दिन बाद चला दूंगा, परंतु वो इलाहाबाद किसी लावड़ के केस की वजह से चले गए थे, और आज वो आए हैं। अब उनसे आप पूछ सकते हैं कै दिन में चल सकता है, क्योंकि उनका भी टाइम दिया हुआ पूरा हो चुका है। तो सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं? सरकार से अपील ये करना चाहते हैं कि जो योगी आदित्यनाथ जी द्वारा जो अच्छे अच्छे कार्य करे जा रहे हैं, जो इतना बड़ा प्लांट लगाया गया है कि कूड़ा निस्तारण करने के लिए, उसके बावजूद भी नगर पंचायत परिषदगढ़ की घोर लापरवाही की वजह से ये नहीं चल पा रहा है। या तो इसे लगाते ही नहीं यहाँ पे, और लगाया है तो माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशों का पालन करें। मेरी यही रिक्वेस्ट है नगर पंचायत परिषदगढ़ अधिशासी अधिकारी से, क्योंकि इसको चालू करके इसका कूड़े का निस्तारण हो सके। हमारे कस्बे में कूड़ा भी ज़्यादा हो रहा है, ये कोई अपनी कोई निजी ज़मीन पर तो है नहीं, ये बंजर भूमि ज़मीन पर है बना हुआ, इसको कोई ना रोक सकता है ना कोई टोक सकता है। ठीक, धन्यवाद। MRF सेंटर यहाँ आबादी में बना के धोखा दे के उन्हें बना के उस पर 100 आदमी हम पर दरखास्त लगा हुए हैं, वो जब हम उसे चलाने का जिक्र कर रहे हैं वो हम पर चढ़ के आए हैं। बताओ, आपने भी देख लिया घेरों के मोड़ पे आबादी में क्या है? यो चले ना चले क्या करे बताओ, ये तो हमने ना बनाया ना कोई काम। अच्छा, तो फिर अब इसके लिए क्या व्यवस्था की जाए? अब हम व्यवस्था हम तो इसे अब इसे चलाना चाहेंगे, जो चाहे कुछ भी हो जो 2-4 दिन में हिम्मत करके उनकी बुराई आओ या लड़ाई आओ, चलाना चाहेंगे ना चलन देंगे तो हम क्या इनसे मरे मारेंगे बताओ क्या करेंगे। जोन से हुए जोर दे रहे हैं, इन्होंने अपने टाइम में क्यों ना चलाया जी, साल भर पहले से लगा खड़ा। ये तो दूसरे पर जो इन्होंने गलत काम करे हैं उन्हें हम पर थोप रहे हैं। अच्छा, जिस तरह से स्थानीय लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जो MRF सेंटर है ये हमसे पूछ के नहीं बनाया गया, उससे बीमारी फैल सकती है। हाँ, फैलेगी तो वही, ये तो जब सड़ेगा। इन्होंने नु कह दी जना कुछ बहका दिया, इन्हें बहका दिया था आपने, तो इनसे तहकीकात कर लो। हमने तो इनसे कही भैया थोड़ा थोड़ा चला लेंगे, हमने इनसे यो भी कही कि थोड़ा थोड़ा चला लेंगे, इन्होंने कही जी हाथ जुड़वा लो यहाँ तो चले जाओ मतलब। अब हम उससे बेर बेर रुक जाए,
अब जो है हमने जो सोच लिया कि जगह लेंगे, चाहे 15 बीघे मिले 10 बीघे मिले, वो हमारे टाइम को बतेरिए आग का गुजर जाए। अच्छा, अन्य योजनाओं को लेकर जैसे घरों की योजना है, आवास के अब ये आए एक दो, जैसे कह रहे हैं हमारे कच्चे मकान रह रहे हैं, हम इनके भी भरवा रहे हैं, पहले अटके पड़े, अभी जांच नहीं हुई उनकी। अच्छा। अब उनसे बोल रहे हैं, हम शिकायत कर रहे हैं, तो वही वो कह रहे हैं कि ये उसमें बाढ़ में लग रहे हैं, लेखपाल करेंगे। अब हम जिसका देखे हैं कच्चा मकान है, हम और जुड़वा रहे हैं। भाई सही आदमी का बन जा तो क्या कर, जिसका लेंटर वाले का प्लॉट है उसका, वो उन्होंने उनके बनवाए, हम सही बनवा रहे हैं। हम ऐसा कोई काम नहीं करे जिस पर हमें तो बिना ही कहे हुए बदनाम करना चाहूँ, ना हमने कोई ऐसा काम करा, काम भी नहीं करा हमने ऐसा। हमने अब लोग कोई योजना का कुछ काम नहीं करा, अब जो ना कोई चला, जो भी काम चलेगा बिल्कुल निष्पक्ष चलेगा, वो निष्कर्षता से, कोई उसमें चाल या वो नहीं होगी, मेंबर भी वही दबाव बना रहे हैं यो करो, हमने कि भैया कुछ करो, हम तो सही काम करेंगे, साले की जांच हो या कुछ हो, सब काम ठीक करने का विचार है। हम 10 साल पहले भी करिए, कोई हमारी कहीं शिकायत या कोई नहीं, भाई यो तो मेंबर नाराज रहे हैं हमसे, अब वो नू कह रहे काम गलत हो या कुछ हो, हमें कुछ दो भैया देख लो, जैसे भी पहला काम है बाद में, तो ये हम तो उनसे भी देखो जी, 2-4 में तो नहीं होगा, अभी ना टाइम लग जाए। अजी अधिकारी तो अब मेरी सुन लो, अधिकारी तो वहाँ बैठे हैं, और अब चलाना तो यहाँ पड़ेगा, अधिकारी तो भाग जाएगा, जो तो अब हमने उनसे जो कहा, हमने जो सोचा भुग्गी से कूड़ा गिरवा में थोड़ा 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 चला के देख ले, हमने टोली का नहीं गिरा, हमने कि एक तक भुग्गी गिर के छटवा के देख ले, तो जो इरादा करा हमने, जो जो चल गया काम तो चलेगा ही, नहीं तो करवाना तो पड़ेगा, जगह देंगे, जगह के रात दिन प्रयास कर रहे हैं। हाँ, इस कूड़े को गौशाला के अंदर तुम्हें खोल के दिखवाओगे तो तुम कमी नहीं बता सकते, भूसा भी ले रहे हैं, अब कहीं का ऐसा वो नहीं है, सारी चीज़ हरा चारा भी ले रहे हैं, सारी चीज़ ले रहे हैं, कोई पशु वहाँ सब ठीक मिलेंगे, ना गारा मिलेगा।